अभी हम इससे कढ़ाई लेंगे, ये हमने नूडल्स जो है वो रेडी करके यहाँ रख दिए हैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें, थोड़ा तेल गरम होने देंगे, और ये हम देखो गार्लिक हमने ली है उसको हम कूट देंगे पहले। ये फ्लेवर के लिए है, और आप और कोई वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं और मंचूरियन भी डाल सकते हैं इसमें। सो ये पेस्ट एकदम तैयार है। अब सबसे पहले हम इसमें जीरू डालेंगे, ये डालते ही इसमें बहुत इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, इसे हम थोड़ी देर इसे हिलाएंगे जिससे ये ऑनियन बिल्कुल पक जाए। और देखिए ये गार्लिक का और ऑनियन का एकदम कलर है वो चेंज हो जाएगा, हल्के येलो कलर जैसा हो जाएगा। फिर हम इस तरह से बड़ी काटी हुई मिर्च डालेंगे पहले। सो हमने ये डाल दी, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू है। और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। सेट करूंगी, अभी हमने ये है सोया सॉस, फिर हम ये टमेटो सॉस डालेंगे, ये जो हमने पैकेट लिया था नूडल्स का उसके साथ ही ये सब आता है। फिर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस था ये, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, इसके अंदर जो मैगी मसाला टाइप आता है इसके अंदर ही आता है, वो हमने इसमें डाल दिया। और फ्लेम को हमने लो ही रखा है, अब थोड़ा सा हाई करेंगे, थोड़ा सा ही। अब हमने ये जो पहले बड़े कटे हुए प्याज डाले थे, कट के रखे थे, वो हम डालेंगे। अभी हम स्पाइसेस के लिए हमने और थोड़े मसाले नहीं डाले हैं, वो भी अभी डालेंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हम तो बहुत स्पाइसी खाएंगे इसलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं। फिर और ये दूसरा बादशाह मसाला, फिर ये दूसरा गरम मसाला, और सबको मिक्स कर देंगे। अब टमेटोज सारे डाल दिए, इसको भी मिक्स करेंगे। सो हमारी अब रेसिपी रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो को।
आप लाइक फॉलो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और आप इस चैनल इसको आप फॉलो भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।